छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। इस दौरान अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। भाजपा इसे कांग्रेस की साजिश बता रही है। वहीं अग्रवाल के इस आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल पर क्या कोई हमला कर सकता है। बृजमोहन अग्रवाल के साथ गुंडागर्दी कौन करेगा? अग्रवाल से सब डरते हैं। पहली बात तो है कि बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता नहीं, वीडियो दिख रहा है उसमें तो खुद ही धक्का मार रहे हैं। दूसरी बात है जो नरेंद्र मोदी जैसे को टेबल के नीचे घुसने के लिए मजबूर कर दे, उस बृजमोहन अग्रवाल को कोई धमकी दे सकता है, कोई धक्का दे सकता है? मजाक कर रहे हैं। मतलब ये है कि इसका मतलब यह है कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव। वहीं बृजमोहन अग्रवाल का आरोप है कि रायपुर के मेयर एजाज डेबर के समर्थकों ने उनके ऊपर हमला किया है। यह सब कांग्रेस सरकार के इशारे पर किया गया है। इसमें हमारे कार्यकर्ता सामने आ गए और मेरे पीएसओ मुझे घसीट कर पीछे ले गए और बचाकर मदरसे में जाकर मैं बैठ गया, तो मैं बच गया। मुझे लगता है कि उनकी कोशिश थी मेरी हत्या करने की। और ये कांग्रेस के लोग पूरे शासन प्रशासन के संरक्षण में हमारे चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सब अनवर ढेबर और एजाज ढेबर के लोग थे जो महंत जी के पीछे रहकर पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं और वो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होने देना चाहते। इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए पिंटू ने सोशल मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है और कहा, मैंने सिर्फ कोरोना काल में उनकी उपस्थिति को लेकर सवाल किया था। पिंटू ने कहा कि उन्होंने खुद एजाज डेबर के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मोहन जी नमस्ते, मैं आपसे सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि आप 2 साल पहले कोरोना काल में कहाँ थे? इतना कहते ही साथ वो उत्तेजित होते हुए मोहन भैया बोले कि मैं तो अपने घर में था, तू कहाँ था? बेकर मुझे ठगेलते हुए वो आगे बढ़ गए। इसके अलावा वहाँ पर कोई विवाद नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ये बीच में उनका चुनावी स्टैंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं खुद एजाज डेबर के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा है, मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि सारे फुटेज निकाल के उपायुक्त ने जांच कर ली जाए और उचित कार्रवाई की जाए। बता दें कि यह घटना तब हुई जब बृजमोहन अग्रवाल चुनावी प्रचार के लिए बैजनाथ पारा क्षेत्र पहुंचे हुए थे। इस दौरान रायपुर दक्षिण से 7 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर हमला हुआ। उनका कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की की गई। इस घटना के बाद बृजमोहन समर्थकों में गुस्सा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समर्थकों ने कोतवाली में धरना भी दिया। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section and please subscribe to India News TV for more such updates.